नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज क्रिसमस का त्यौहार है। हर साल 25 दिसंबर को प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन की याद में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। इस उत्सव के आगमन से पहले ही लोग खूब तैयारियों के साथ अपने घरों और चर्च को सजाते हैं। ईसाई धर्म के लोगों में क्रिसमस के उत्सव की शुरुआत 4 हफ्ते पहले से ही होने लगती है और इसके 12वें दिन पर समाप्ति होती है। इसे पूरी दुनिया में एक धार्मिक और पारंपरिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर राजधानी भोपाल के गिरजाघरों में आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई है। चर्च में प्रभु यीशु के प्रशंसा में कैरोल गाए जा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे भोपाल संवाददाता समीर वर्मा। खुशियों का त्यौहार क्रिसमस आज पूरे प्रदेश में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह ईसाई धर्मावलंबियों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। रात 12 बजे लोगों ने चर्च की विशेष प्रार्थनाओं में हिस्सा लिया और धार्मिक गीत गाए। साथ ही प्रभु ईसा मसीह के जन्म का स्वागत करने वाले बाइबल के अंश भी पढ़े गए। राजधानी भोपाल में क्रिसमस के मौके पर सभी गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और उपहारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। विशेष क्रिसमस बाजारों में भीड़ बनी हुई है। राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने क्रिसमस पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि क्रिसमस का त्यौहार भाईचारे की भावना और खुशियों को बांटने का उत्सव है। मुख्यमंत्री ने क्रिसमस के अवसर पर प्रदेशवासियों की खुशहाली और प्रदेश की तरक्की की कामना की है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल से मैं समीर वर्मा। वहीं आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। प्रदेश में उनका जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज अवकाश होने के कारण कल सभी शासकीय दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई जाएगी। हमारे ग्वालियर संवाददाता बता रहे हैं कि जिले में आयोजित प्रतिष्ठित तानसेन समारोह में जाने माने गायक पंडित उल्हास कशालकर को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से विभूषित किया गया। शास्त्रीय संगीत के सुप्रतिष्ठित गायक पंडित उल्हास कशालकर को वर्ष 2017 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से विभूषित किया गया है। सुर सम्राट तानसेन की समाधि के समीप शुक्रवार की शाम आयोजित हुए भव्य एवं गरिमामय समारोह में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह तथा उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने पंडित कशालकर को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के रूप में 2,00,000 रुपए की सम्मान राशि, प्रशस्ति पट्टिका व शॉल श्रीफल भेंट किए। संगीत, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही देश की 6 संस्थाओं को इस अवसर पर राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान से अलंकृत किया गया। राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने अहम घोषणाएं की। श्री पवैया ने कहा कि तानसेन की जन्मभूमि बेहट में राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के माध्यम से एक संगीत महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तानसेन समारोह की शुरुआत शुक्रवार की सुबह हजीरा तानसेन समाधि स्थल पर शहनाई वादन, हरी कथा, मिलाद, चादरपोशी और कव्वाली गायन के साथ पारंपरिक ढंग से हुई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। रायसेन जिले के संवाददाता बता रहे हैं कि जिले में डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता शिविरों में कैशलेस ट्रांजेक्शन की भी जानकारी दी जा रही है। रायसेन जिले में डिजिटल इंडिया कैंपेन एवं कैशलेस ट्रांजेक्शन को प्रभावी बनाने के लिए इसी माह के अंतिम पखवाड़े से सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान में सभी विभागों को सम्मिलित कर जिला गवर्नेंस सोसाइटी के माध्यम से जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। साथ ही हाई स्कूल एवं महाविद्यालयों में डिजिटल इंडिया एवं कैशलेस ट्रांजेक्शन पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शासकीय ITI रायसेन में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक द्वारा छात्रों को डिजिटल इंडिया
एवं कैशलेस ट्रांजेक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिले के शासकीय महाविद्यालय सिलवानी में भी छात्रों एवं कार्यालय स्टाफ को डिजिटल कैशलेस की जानकारी एवं भीम ऐप के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। जबलपुर जिले के बरगी जलाशय पर झील महोत्सव का आयोजन किया गया है। हमारी संवाददाता बता रही है कि यहां सैलानियों के लिए वाटर स्पोर्ट्स के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। दिसंबर माह की कड़कड़ाती ठंड और पानी की तेज धाराओं के बीच उफान मारती लहरों में एडवेंचरस खेलों का आनंद लेने इन दिनों हजारों की तादाद में पर्यटक जबलपुर स्थित बरगी जलाशय में चल रहे झील महोत्सव में पहुंच रहे हैं। यहां जलाशय के चारों ओर हरे भरे टापुओं के बीच चल रहे साहसिक और रोमांचक खेलों में दिन में सैलानी जहां वाटर स्पोर्ट्स, तो वहीं शाम होते ही सैलानी फोक डांस और संगीत के कार्यक्रमों का मजा ले रहे हैं। क्रिसमस पर्व और शीतकालीन अवकाश के चलते यहाँ पर्यटकों की संख्या में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। हर दिन शाम को अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। गुना जिले में जनवरी में सैनिक भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न जिलों के युवा हिस्सा लेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे गुना संवाददाता। गुना जिले में आगामी 18 जनवरी से 22 जनवरी 2018 तक सैनिक रैली भर्ती का आयोजन किया जाएगा। गुना के डिग्री कॉलेज में आयोजित इस भर्ती रैली में शिवपुरी, गुना, श्योपुर, अशोकनगर, टीकमगढ़, दतिया, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, ग्वालियर, भिंड और मुरैना जिले के उम्मीदवार हिस्सा ले सकेंगे। रैली भर्ती के माध्यम से सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक लिपिक, सैनिक तकनीकी, सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट और सैनिक ट्रेड्समैन पदों पर भर्ती की जाएगी। रैली भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को www.joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन समाप्त होने के बाद दिनांक 30 दिसंबर 2017 के बाद एडमिट कार्ड और ईमेल द्वारा उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा। वहीं रैली भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा वृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। भर्ती के सिलसिले में आयोजित एक बैठक के दौरान जिला कलेक्टर राजेश जैन ने विभिन्न अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सेना भर्ती के लिए आने वाले युवाओं की भर्ती प्रक्रिया गुना के संजय गांधी स्टेडियम में संपन्न होगी। युवाओं को ठहराने की व्यवस्था दशहरा मैदान में की जाएगी, जहां टेंट लगवाए जाएंगे। स्थल के आसपास अस्थायी शौचालय बनाए जाएंगे तथा पानी की सुविधा के लिए टैंकर रखवाए जाएंगे। भर्ती स्थल पर एक एम्बुलेंस एवं एक चिकित्सक तैनात करने का निर्णय लिया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गिरी गोस्वामी। हमारे आगर मालवा संवाददाता बता रहे हैं कि जिले में यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए जिला प्रशासन अभियान चला रहा है, जिससे जिला सुंदर और सुव्यवस्थित बन सके। आगर मालवा जिला प्रशासन द्वारा नगर में यातायात सुधार हेतु विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर अजय गुप्ता ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा शहर के अस्पताल चौराहे से विजय स्तंभ तक के क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस क्षेत्र में अस्पताल, न्यायालय, तहसील, एसडीएम कार्यालय, नगरपालिका, मार्केटिंग सोसाइटी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कृषि विभाग, सहकारी संस्था के साथ ही अन्य विभाग स्थित है, जिससे यातायात व्यवस्था दिन भर बेतरतीब बनी रहती है व आए दिन दुर्घटना की संभावना भी रहती है। सुगम व्यवस्था बनाने के लिए ठेला गाड़ी लगाने वाले तथा जमीन पर बैठकर सामग्री बेचने वालों को चिन्हित करने का कार्य इन दिनों किया जा रहा है। लिस्ट बनने के बाद सब्जी मंडी के बाहर सड़क पर लगने वाली दुकानों को मंडी के अंदर लगवाने तथा ठेले वालों को मिडिल स्कूल ग्राउंड में स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाएगी तथा न्यायालय के सामने खड़े होने वाले वाहनों के लिए नगर पालिका में निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था की जाएगी, जिससे नगर का यह मार्ग सुव्यवस्थित और सुंदर लग सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा। वही हमारे होशंगाबाद संवाददाता ने बताया है कि आज से पचमढ़ी महोत्सव की शुरुआत हो रही है। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। हिल स्टेशन पचमढ़ी में आज से पचमढ़ी उत्सव की शुरुआत अब से कुछ देर पहले हुई। 30 दिसंबर तक चलने वाले 6 दिवसीय उत्सव में हर वर्ष की तरह इस बार भी रंगारंग और मनोहरी कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। समारोह का शुभारंभ 6 बजे किया गया। पचमढ़ी उत्सव का आनंद उठाने हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। प्रशासन ने इसके लिए सभी तरह के इंतजाम किए हैं। बहरहाल पचमढ़ी उत्सव में शाम 4 बजे से बांसुरी वादक श्यामानंद और उनके साथ ही हर दिन बांसुरी वादन की प्रस्तुतियां देंगे। उत्सव के दौरान साहसिक खेल प्रतियोगिताएं भी होंगी। वहीं उत्सव में शिल्प मेले की प्रदर्शनी भी लगाई गई है।
है। अगले 3 दिन तक गीत संगीत पेंटिंग्स हास्य व्यंग कवि सम्मेलन पूर्ण मनोरंजक कार्यक्रम होंगे और इस दौरान जहां नई दिल्ली की संगीत नाटक एकेडमी के कलाकार लोक नृत्य की प्रस्तुति देंगे वहीं इंटरनेशनल फ्यूजन बैंड अपनी प्रस्तुति देगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए होशंगाबाद से मैं तनुज तिवारी। खंडवा जिले में हाल ही में प्रधानमंत्री बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना का शुभारम्भ हुआ। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि सौभाग्य स्कीम के तहत जिले में हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य जून 2018 तय किया गया है जिसके लिए यहां तेजी से काम भी शुरू हो गया है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में सभी घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना का खंडवा के आनंद नगर स्थित विद्युत उपकेंद्र परिसर में विधिवत शुभारम्भ हुआ। कार्यक्रम में खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में विद्युत कनेक्शन के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा सौभाग्य योजना प्रारंभ की गई है जिसमें गरीबों को निःशुल्क कनेक्शन दिया जाएगा तथा गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को 500 रुपए शुल्क पर कनेक्शन दिया जाएगा। यह शुल्क 50-50 रुपए की 10 किस्तों में बिजली के बिल में समायोजित किया जाएगा। कनेक्शन यंत्री कमलेश लांड ने बताया कि अगले 3-4 महीनों में खंडवा जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 42,000 कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है जिस पर लगभग 17 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय संभावित है। कनेक्शन लेने के लिए विद्युत कनेक्शन तथा कनेक्शन धारी का फोटो तथा उपभोक्ता के पहचान पत्र की छायाप्रति एवं मोबाइल नंबर देना होगा। उन्होंने बताया कि खंडवा जिले में जून 2018 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में पर्यटकों के लिए विशेष आयोजन किए गए हैं। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि इस अवसर पर सैलानियों के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया गया है। पूरे 1 सप्ताह तक पातालकोट में पर्यटक एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले सकेंगे। देश के पर्यटन नक्शे पर पातालकोट को लाने के लिए प्रशासन इस बार 7 दिनों का आयोजन तामिया में कर रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ इस आयोजन में आदिवासियों की परंपरागत संस्कृति को भी पर्यटकों से रूबरू कराया जाएगा। उधर हमारी रीवा संवाददाता ने बताया है कि जिले में हाल ही में देश के सबसे बड़े अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का शिलान्यास केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। रीवा में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनेगा। विगत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने सोलर पावर प्लांट का भूमि पूजन किया। रीवा जिले की गुड़ तहसील के बदराव में स्थापित होने वाले इस प्लांट से 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। प्लांट मात्र 2.97 रुपए प्रति यूनिट की लागत से बिजली का उत्पादन करेगा जो दुनिया में सबसे कम है। विंध्य क्षेत्र थर्मल पावर तथा जल विद्युत का केंद्र होने के साथ साथ अब सोलर पावर का भी केंद्र बन गया है। पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए हुए दुनिया की सबसे कम दर की सोलर ऊर्जा इस प्लांट से बनेगी। योजना अनुसार रीवा सोलर प्लांट की ऊर्जा से राजधानी दिल्ली की मेट्रो रेल दौड़ेगी। संयंत्र से सस्ती बिजली मिलने पर घरों को तथा उद्योगों को कम दर पर बिजली मिलेगी। वहीं सूर्य की रोशनी से बनाई जाने वाली इस बिजली से देश के कई हिस्से भी जगमग होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े पावर प्लांट का रीवा में स्थापित होना गर्व की बात है। वहीं केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी सोलर परियोजनाओं में से एक है। इसी दौरान मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का भी शुभारंभ किया गया। इस योजना से आगामी वर्ष 2018 के दिसंबर माह तक मध्य प्रदेश के हर घर को बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा। इस योजना से इस वर्ष रीवा जिले में 5,000 कनेक्शन दिए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख एवं वाचन स्वर दीपा सिंह, आकल्पन और संयोजन समीर वर्मा, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।